विकास नगर तहसील के क्षेत्र अंतर्गत सोरना डोबरी ग्राम पंचायत में घनी आबादी के बीच लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया है। मोबाइल टावर से होने वाले खतरों से आशंकित ग्रामीणों ने सहसपुर थाना पुलिस और तहसील विकास नगर प्रशासन को इसकी शिकायत भी की है। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि विरोध के बावजूद निजी संचार कंपनी की ओर से मानकों को ताक पर रखकर टावर लगाया जा रहा है। गांव में पहले से ही मोबाइल टावर मौजूद है, बावजूद इसके घनी आबादी के बीच लगने वाले एक और टावर से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। नाम बताएंगे आप? जी सर, मेरा नाम है मकसूद अहमद। मकसूद अहमद यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, इसी ग्राम से हैं। ये बताइए यार, यहाँ टावर का जो है मसला चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप? सर, ये दो तीन दिन से हम भी इसे सुन रहे हैं कि यहाँ पर ये टावर लग रहा है, तो इसे हमें पता चला कि ये बिल्कुल घरों के आसपास इन्होंने तैयारी कर दी इसकी, और ये लगाने के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि इससे था ना, ये चूँकि समाज के लिए हानिकारक है, बहुत नज़दीक है, रेडिएशन इससे फैलता है, और यहाँ के लोग बगलों में जो धाना, हमें पता चला कि कई लोग जो धाना ऐसे सीरियस हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, बच्चे भी यहाँ हैं, बूढ़े भी हैं, तो ये इसलिए धाना इसका विरोध है कि ये लगे तो लगभग 200 मीटर दूरी पर लगे, यहाँ बिल्कुल गलत है। जबकि जिसकी ज़मीन है ये थोड़ा फासले में भी है, वो हटा करके लगा दे तो शायद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ लगेगा तो ये पूरी आम सभा को, पूरे ग्राम सभा को इससे दिक्कत है। ये यहाँ लगना नहीं चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। ये निश्चित की आपने शिकायत की सर, थाने में सेंसपुर में शिकायत की, अब SDM साहब को लिखेंगे इसके लिए, और जहाँ भी जाना पड़ेगा निश्चित रूप से जाएंगे। ये सूरज पाल सिंह। सूरज पाल सिंह जी, ये बताइए यहाँ पर टावर का एक मामला चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ, ये कल परसों नौ से लगातार पता लग रहा कि भाई यहाँ पे टावर लग रहा, और ये घर के नज़दीक है, और वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे लगाएं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना पैदा हो, इससे रेडिएशन वगैरह फैलता है, दिक्कत होती है इससे, हार्ट पेशेंट है, तो उस वजह से थोड़ा सा उधर दूरी पे लगाएं थोड़ा सा इसको। तो सभी गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, करीब करीब हम पूरा आसपास के मोहल्ला पूरा ही विरोध है, विरोध में है, इसमें नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। इसकी शिकायत करी आपने SDM से? देखो, ये तो उन लोगों ने की होगी शिकायत, लोगों की शिकायत पर राजस्व उप निरीक्षक रमेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर टावर निर्माण कार्य को पूर्व में भी रुकवाया था। आरोप है कि टावर निर्माण रुकवाने के बाद भी निजी संचार कंपनी के ठेकेदार द्वारा गुपचुप तरीके से रात्रि में टावर का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने फिर से किया। जोशी, यहाँ पे जियो का टावर लग रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, विरोध कर रहे हैं? सर, पिछली बार भी विरोध करा था तो तब मैं आया था, उस समय रुकवा के गया था, और आज सुबह फिर फोन आया कि दोबारा उनके मजदूर आएंगे, जियो कंपनी के टावर जो लग रहा है और वो टावर लगा रहे हैं, तो फिर तब मैं यहाँ पे आया हूँ। जब तक यहाँ पे आया तब तक जो है मजदूर उनके चले गए थे। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी? कार्रवाई नहीं लगना चाहिए सर, यहाँ पे घनी आबादी के बीच लग रहा है तो ये गलत है। इन्होंने आप क्या शिकायत दर्ज कराई SDM साहब के पास? शिकायत दर्ज नहीं कराई सब, अभी पुलिस में तो कराई है, बता रहे हैं। अब तो मौखिक आदेश आया जी, मौखिक आदेश के अनुपालन। अब क्या करेंगे अभी? अभी क्या कार्रवाई होगी? अभी रुकवा दिए, फिर करेंगे तो तब फिर रुकवाएंगे। ग्रामीणों का विरोध देखकर मोबाइल टावर कंपनी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मोबाइल टावर का कार्य प्रशासन द्वारा जल्द बंद नहीं कराया गया तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विकास